हाय नमस्कार। तो ये एक्चुअली सुबह के वीडियो के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना कभी कभार आई एज ए काउंसलर चीज़ों को ऑब्वियस समझ लेता है और शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो फिर आप लोग कमेंट्स में पूछते हो या फ़ोन करते हो, पेड कॉल लेते हो, तो ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं बार बार कहता हूँ कैटेगरी क्वालिफाइड, ये क्या शब्द होता है? देखिए, अब तो आप सबका नीट का रिजल्ट आ चुका है, जो इस साल का वीडियो देख रहे हैं अगले साल देखेंगे, और हम जानते ही हैं कि क्वालिफिकेशन के रूल अलग हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो या जनरल कैटेगरी के हो, तो आपका स्कोर 50% होना चाहिए था। तो जब वे टिपिकल स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपकी कैटेगरी लिखी होती है, ऑल इंडिया रैंक लिखा होता है, कैटेगरी रैंक लिखी होती है, और आपका परसेंटेज स्कोर भी लिखा होता है। तो बेसिकली नंबर से भी ज़्यादा, वैसे इस साल जैसे जनरल क्वालिफाइड 162 है, लेकिन 162 में भी सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं है, बिकॉज यू आपका स्कोर जो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका स्कोर 162 हो और आपकी परसेंटेज 49.999 है, तो आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए नीट। दैट मीन्स आप कोई भी मेडिकल का कोर्स MBBS, BDS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इंडिया में नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को भी एलैबोरेट करूँगा, ठीक है, एक्चुअली बाहर भी नहीं कर सकते। तो अगर आप जनरल वाले हैं, सिमिलरली स्कोर कार्ड के नीचे आप हमेशा देखोगे लिखा होता है कि अगर आप OBC, SC, ST हैं तो 40th percentile का स्कोर लिखा होता है, और वो इस साल 127 है। तो स्कोर तो 162 और 127 है, पर मैं चीज़ को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि कई जनरल कैटेगरी के 162 वाले भी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और कई SC, ST, OBC को हम जनरली बोलते हैं कैटेगरी स्टूडेंट्स, प्लीज़ डोंट माइंड। तो उनका स्कोर है 127, बट पॉसिबल है कि 127 में भी काफ़ी बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हर एक नंबर पर हज़ारों बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल आधे बच्चे पास करने हैं, स्कोर का इसलिए मैटर नहीं करता। तो 127 में भी कुछ बच्चे फेल होंगे कैटेगरी वाले, और 162 में भी फेल होंगे जनरल वाले, ठीक। फिर बीच में भी आता है, आपको पता है जो जनरल है बट फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसके लिए बीच में घुसा देते हैं वो अ फिगर कॉल्ड 45th percentile, कि अगर आप जनरल कैटेगरी के PW दी थे तो वो 144 स्कोर बन रहा है इस बार, और बस मोटा मोटी तो यही 3 स्कोर हैं, 162, 127 और 144। तो ज़्यादा कॉमन होता है 162, 127, लेकिन अभी जो मैंने समझाया। अब अगर आप कैटेगरी के बच्चे थे OBC, SC, ST तीन ही कैटेगरी है इंडिया में, तो आप 128 से 132 से आप क्वालिफाई हो, आप जनरली इंडिया में एडमिशन ले सकते हो, अब्रॉड जाके ले सकते हो रशिया वगैरह में। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपके 162 क्वालिफाई है। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है, पहले इंडिया की बात करते हैं, बल्कि थोड़ा सा बाहर भी समझ लेंगे, उसी में हेल्प होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के 165 नंबर हैं तो आप क्वालिफाइड हो, आराम से हो। आप कैटेगरी स्टूडेंट हो और आपके नंबर 165 हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या था 162, पर आपके नंबर कितने हैं 164, तो आप क्वालिफाइड तो थे ही 130 में भी, बट 164 अगर आपके हैं तो हम ये बोलते हैं कि आप कैटेगरी का बच्चा होते हुए भी आप जनरल मार्क्स वाला क्वालिफाइड हो, क्योंकि आपके 162 से ज़्यादा है। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे जब हम अब्रॉड कर रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं इस साल, तो या कभी भी, तो नेपाल हमेशा ये कहते हैं कि आपको जनरल क्वालिफाइड होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप इंडिया में OBC, SC, ST थे, आपके 135 थे, आप नीट क्वालिफाइड हो इंडियन के हिसाब से, बट नेपाल तभी लेगा जब आप जनरल क्वालिफाइड हो। दैट मीन्स आपके नंबर 162 से ऊपर होने चाहिए, या नीट स्कोर कार्ड में आपकी परसेंटाइल 50 से ऊपर होनी चाहिए, चाहे आप OBC, SC, ST हो या जनरल हो। बट अगर वही आप रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह वगैरह जा रहे हो, और अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो, 135-140 मार्क्स हैं, चलेगा। अब सेम इंडिया, आप अभी तक आप समझ चुके हैं 28 तरह की, एग्जैक्टली 28 काउंसलिंग चल रही है। सबसे मशहूर काउंसलिंग है ऑल इंडिया, जिसको हम डीम्ड कह लो, जिसमें हम करते करते 57 कॉलेज हो गए जब से दो माला रेड्डी ऐड हो गए। इन 57 कॉलेज में आप कहीं पर भी रहते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, तभी इन 57 कॉलेज में कभी भी कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, तभी ऑल इंडिया काउंसलिंग में आते हैं, वरना डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ तो इंडिया में 350 में से 200 प्राइवेट कॉलेज हैं, पर आप लोग समझ नहीं पाते, कोई बात नहीं। पर उनमें से जो 57 कॉलेज है जिन पे कोई स्टेट का प्रभाव नहीं है, वो आ जाते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, उनमें कोई स्टेट का रोल नहीं है। तो आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हो, दैट मीन्स अब आप क्लियर हो गए ना शब्द से, 135-140 मार्क्स से आप OBC, SC, ST हो, आप इन 57 कॉलेज में कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते आपका स्कोर आए या आपका फर्स्ट ब्लड NRI है, तो आप जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा। इस साल कट ऑफ बढ़ गई है, वरना हर साल हम ये कहते थे कि कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चे को भी, दैट मीन्स इस साल के संदर्भ में 128 भी हैं, 132 भी हैं, तो भी आपको पौंडेचेरी, तमिलनाडु कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता था। ये तो हो गया ऑल इंडिया। अब बाकी 28 जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग्स हैं। अब स्टेट के रूल अलग है, तो आप जिस भी स्टेट के डोमिसाइल हो, अपने होम स्टेट में आप हमेशा पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हो।
तो अगर आप यूपी के बच्चे हैं तो बिंदास आप यूपी में कर सकते हैं, हरियाणा के बच्चे हैं तो हरियाणा में कर सकते हैं, लेकिन लेट्स अगर आप यूपी के बच्चे हैं और कैटेगरी क्वालिफाइड है, मतलब कि आप एससी एसटी ओबीसी के हैं और 128 130 162 से कम मार्क्स हैं, तो फिर जब आप दूसरे स्टेट का स्टेट फॉर्म भर रहे हो तब रूल आता है कि आप भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। नॉर्थ से स्टार्ट करूँ, जैसे इमेजिन करते हैं दिल्ली का बच्चा है, क्योंकि दिल्ली में कोई वो है ही नहीं ना प्राइवेट कॉलेज, हमदर्द है वो तो ऑल इंडिया वाला है, तो दिल्ली का मैं बच्चा हूँ और कैटेगरी क्वालिफाइड हूँ, समझ लो 142 मार्क्स, तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चा होकर, मतलब मैं कैटेगरी क्वालिफाइड हूँ, मैं हिमाचल का फॉर्म भर सकता हूँ, जी हाँ सोलन के लिए, मैं हरियाणा का फॉर्म नहीं भर सकता, यूपी का फॉर्म नहीं भर सकता, उत्तराखंड का फॉर्म नहीं भर सकता, राजस्थान का भर सकता हूँ जो मैनेजमेंट सीट है, बिहार का भर सकता हूँ फॉर एनआरआई सीट, बंगाल का भर सकता हूँ बंगाल की एनआरआई एंड नॉर्मल सीट, मध्य प्रदेश का नहीं भर सकता, कर्नाटका का आईक्यू कोटा एनआरआई के लिए नहीं भर सकता। ओके, तो मैंने आपको मोटा मोटी समरी बताई। तो इस तरह जब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है किस स्टेट का आप भर सकते हो, किस स्टेट का आप नहीं भर सकते, और इसी को हम बार बार कहते हैं कि अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हो, मतलब ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, 127 से मार्क्स ज़्यादा और 62 से मार्क्स कम है, और मैंने भी समझाया कि वो तो आपने खुद ही देख लिया होगा ना कि 127 मार्क्स और 40 से अगर कम स्कोर है तो आप वैसे ही फेल हो, तो इन बच्चे किन स्टेट्स में जा सकते हैं किन में नहीं जा सकते। और वैसे मैं इसे अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इसी वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपकी जेब में पैसा है और आप या बैंक गारंटी दे सकते हो या पहले साल में 50-60 लाख दे सकते हो, तो हम जो बाबर कहते हैं अगर आप सिर्फ कैटेगरी क्वालिफाइड भी हो तो वी कैन अश्योर यू कि आपको 130 मार्क्स में भी पक्का सीट मिलेगी। आज से नहीं, मैं 3 महीने से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आज भी आपके हाथ में, अगर आप 130 135 वाले हैं, अगर आप हमसे 2 महीने पहले संपर्क कर लेते तो अभी तक आपको सीट मिल चुकी होती, क्योंकि कई स्टेट जैसा मैंने वो समझाया आपको ऐसे हैं तो दूसरे स्टेट का कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चा लेते हैं, और 135 को जब हम दिला रहे हैं, और मैं फिर से कहता हूँ हम कुछ दिला नहीं रहे हैं, कोई बैकडोर नहीं है, बेसिकली राइट काउंसलिंग राइट प्लानिंग एंड राइट गाइडेंस, उसके ऊपर आपके मार्क्स या तो सीट की कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ सीट की कमी उनको है जिनके मार्क्स भी कम है और पैसे भी नहीं है। जैसा मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था कि अगर आप इस बार 250 से कम है तो नॉर्थ जनरल कैटेगरी, तो नॉर्थ इंडिया में सीट संभव नहीं है, जो आपने देख ही ली है, हिमाचल हरियाणा यूपी उत्तराखंड इन चारों पाँचों स्टेट में, पंजाब में अगर आपके 250 से कम मार्क्स हैं, और 250 भी मैं दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी झज्जर का रिजल्ट आएगा और पानीपत का, आई थिंक ये शायद फिगर इस बार 270 चली जाए, कि 270 से कम इन 5 स्टेट में कोई भी सीट नहीं है, बट दैट डजेंट मीन कि सीट नहीं है। इस कैटेगरी के बच्चों को, इस नंबर के बच्चों को राजस्थान बंगाल बिहार ऑलरेडी तमिलनाडु पौंडीचेरी की डीम तो मिली चुकी है, पौंडीचेरी स्टेट काफ़ी ऑप्शंस हैं खास, और जैसा मैंने कहा कि एनआरआई में कई जगह पे गार्जियन एनआरआई अलाउड है, मध्य प्रदेश कर्नाटका बिहार बंगाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सीट की कमी नहीं है, पैसे होने चाहिए और राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए। शुभ हो आपका दिन, आप हमारा नंबर जानते ही हैं 9643362320। पहली बात बात करने की हम चार्जेस लेते हैं और वही चार्जेस फिर एडजस्ट होते हैं हमारे पैकेज में। जनरली कोई हमारे पास अब आ रहा है वो ऑलरेडी किसी काउंसलर के साथ जुड़ा हुआ है, तो कई बार सिर्फ फ़ोन कॉल लेके समझ रहे हैं, स्पेशली अगर पूरा काम कराना है एनआरआई वाले पेपर से एक्सेट्रा को मिला के, तो 1.5 लाख रुपये हमारा चार्ज रहता है, और 30,000 का पैकेज होता है सिंगल स्टेट काउंसलिंग का जो आप मोस्टली कर ही चुके हैं, 50,000 रुपये रहता है 2-4 काउंसलिंग्स, 75,000 रहता है मोर देन 4, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आप लोग जो है वो या 50,000 के पैकेज में आएंगे जिसमें आप पूरी गाइडेंस हमसे ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं मुझे कहना चाहिए, या आप 1.5 लाख का पैकेज ले सकते हैं जिसमें आपको इनमें से हम कोई सीट के बारे में ठीक से गाइडेंस करके आपको वहाँ तक पहुँचवा देंगे। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय। फिर से नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है 9643362320।